शौचालय पर अव्यवस्थाओं का लटका ताला, ग्रामीण बाहर शौच जाने को मजबूर। जी हां, जिला बरेली की आंवला तहसील के कलिया गांव में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में बड़ा खेल हुआ है। यहां बाहर से शौचालयों को बेहतर रंग रोगन कर चमकदार बनाया गया है, लेकिन अंदर क्या है कहां नहीं जा सकता है। शायद कहीं पोल खुलने के डर से शौचालयों पर ताला लगा दिया गया है और ताले की चाबी गायब है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण बनाए गए शौचालयों को शुरू करने के लिए चाबी तलाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चाबी नदारद है। कहाँ के रहने वाले आप? कल लिया भी। जी, शौचालय का निर्माण कब कराया गया था आपके गांव में? शौचालय जब बने थे, जब पेंट कराई गई थी, ताले पहले ही लगे, पहले पुराने प्रधान ने बनवाए थे और नए प्रधान ने इसमें जो कहा था टाइल वगैरह सब चीज़ लगवाई है, तब भी ताले पड़े हैं। ऐसा क्या कारण है ताले लगे? ये क्या पता, प्रधान लोग ये कहते हैं कि सरकारी अधिकारी आएंगे, वो लेटरिंग वोटरिंग करेंगे, पेशाब पेशाब नहाने का जो भी ये काम। आप लोगों को नहीं बनवाएगा शौचालय? क्या क्या पता, ये प्रधान को पता होगी, तो गाँव वालों को कोई बताता ही नहीं है कोई बात। आप लोगों ने प्रधान से कहा नहीं क्या? अब भाई हम क्या कह सकते हैं प्रधान को, और कोई लेकर नहीं कह रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो बच्चे ठहरे। शौचालय में ताले लगेगा? ताले लगे शौचालय में। यहाँ शौचालय मात्र दिखावा बनकर रह गया है। यहाँ गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर बताया है कि उनके गांव में पिछले वर्ष सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था और गांव के लोगों को आस जगी थी कि अब खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शौचालय मुश्किल से 8-10 दिन के लिए खुला है। कभी किसी अधिकारी के आने पर शौचालय का ताला खोल दिया जाता है, साफ सफाई भी कर दी जाती है, बाद में फिर ताला बंद कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी वे योजना से गरीब वंचित हैं। अगर सामुदायिक शौचालय नियमित खुले तो लोग उसी में शौच के लिए जाएं। यहां एक जांच की जरूरत है ताकि 100 पीस बना शौचालय जनहित के लिए खुले। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।